वादियों ने थामा भाजपा का हाथ। वाद विवाद के बीच ओढ़ा भगवा चोला। मिशन 2017 में कमल के लिए करेंगे प्रचार। जैसा कि पिछले कई दिनों से उम्मीद जताई जा रही थी, हुआ भी एकदम वैसा ही। वाद विवाद को पीछे छोड़ आखिरकार प्रदेश कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ले ली। बुधवार को हुई भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी गई। 5 घंटे के अंदर अंदर सारी तैयारियां पूरी कर बागियों को भगवा चोला ओढ़ा दिया गया, ताकि विवाद ज्यादा तूल न पकड़े। दरअसल बीते दिनों भाजपा में विरोधाभास की खबरें तेज थी। देहरादून से दिल्ली तक यह खबर पहुंची कि बागियों का भाजपा में शामिल होना प्रदेश कमलधारियों को लुभा नहीं रहा है। दरअसल बागियों में से कई नेता भाजपा उम्मीदवारों को ही हरा कर विधानसभा पहुंचे थे। उनके शामिल होने का यह मतलब है कि संबंधित स्थानों पर अब भाजपा के पुराने नेता या कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी छोड़नी पड़ेगी, लिहाजा उनको शामिल करने का मामला अटका था। बुधवार को खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नेताओं को स्पष्ट कर दिया कि जो रावत सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्हें पार्टी में जगह दी जाएगी। हालांकि बागी खुले तौर पर बिना कोई शर्त भाजपा में शामिल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये भाजपा में मनपसंद सीटों की मांग जरूर कर सकते हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि बागियों के शामिल होने के बाद उत्तराखंड की सियासत किस करवट बदलेगी। न्यूज डेस्क, टीम अंगवाल, देहरादून।